हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जानेंगे काम कर नहीं रहा है किस तरह से। तो दोस्तों इसके पीछे नीचे का जो साइड है उसे मैं यहां से हटा रखा हूं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या फीचर दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों ये मॉडल जो है प्रेस्टीज का है दोस्तों, मिक्सर ग्राइंडर है। तो दोस्तों इस तरह से सारे कंपनियां हैं, प्रेस्टीज का ये मिक्सर है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे कंपनियां हैं, मैं किसी भी कंपनी को ख़राब नहीं कर रहा हूं दोस्तों, सभी अच्छे कंपनी हैं। तो दोस्तों यहां देखिए ये जो मेरे पास मिक्सर आया हुआ है तो मैं इसे रिपेयर करूंगा। दोस्तों यहां आप देख सकते हैं इसमें 230 वोल्ट एसी है, 50 हर्ज है। दोस्तों ये जो 550 वाट का ये इसमें वाटेज लेगा। दोस्तों आप इसे किस तरह से चला सकते हैं कि आपको पूरा फीचर नीचे दिया हुआ रहता है, बट दोस्तों इसको मेनली रूप से इस तरह से यूज नहीं करते हैं जिसके कारण ये जल्दी ही खराब होता है। देखिए दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि आप इसे 30 मिनट तक यूज कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों 5 मिनट आप इसे ऑन करें, यानी कि दोस्तों जब भी आप इसका यूज करें तो 5 मिनट आप इसे ऑन करें, उसके बाद आप इसे यूज ना करें। उसके बाद दोस्तों बोलता है क्या कि 2 मिनट तक आप इसे ऑफ कर दें। 5 मिनट आप इसे चलाने के बाद दोस्तों 2 मिनट आप इसे ऑफ रखें, तब ये इसके मोटर पर उतना जोर नहीं पड़ेगा दोस्तों, उससे आपका मोटर भी जो है दोस्तों उससे टिकाऊ होगा। तो दोस्तों 5 मिनट इसी तरह से चलाएं, 2 मिनट बंद करें, इस तरह से आप इसे चला सकते हैं। तो यही था दोस्तों इसके फीचर जो दिया हुआ है नीचे। यही रेटिंग दोस्तों हर मिक्सर में दिया हुआ रहता है, इसी के हिसाब से आप बजाज का हो फिर कोई भी कंपनियां को दोस्तों उस तरह के आप यूज कर सकते हैं। ये इसका फीचर दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 मिनट रहे हैं। यहाँ जो बना हुआ है प्रेस टू रिसेट, तो ये जो प्रेस टू रिसेट है दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, ये वाला जो लगा हुआ था सर्किट ब्रेकर, दोस्तों ये सर्किट ब्रेकर बहुत ही बोलिए तो बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है दोस्तों? क्योंकि ये सर्किट ब्रेकर जो है हमारे ये मिक्सर जो देख रहे हैं दोस्तों उसके मोटर को जलने से बचाता है। क्योंकि दोस्तों जब हम इस पर कोई भी चीज को ज्यादा देर तक या फिर कुछ गीले पदार्थ को जब हम इसमें पीसते हैं दोस्तों, तो उससे इसके मोटर पर लोड पड़ता है। तो ये सर्किट ब्रेकर जो है दोस्तों वही आपका इसमें ब्रेक लगाने का काम करता है। दोस्तों ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं लाल वाला भाग, तो जैसे ही दोस्तों इस तरह से, तो उस स्थिति में दोस्तों आप इसे प्रेस कर दें इस तरह से, तो ये पुनः ही चालू हो जाएगा। बट दोस्तों ये तो प्रीसेट, ये जो आप देख रहे हैं सर्किट ब्रेकर, ये दोस्तों 2.2 एम्पियर का है, 230 वोल्ट 50 हर्ज पर है दोस्तों। तो ये ब्रेकर जो है दोस्तों ये खराब हो चुका है। तो इस स्थिति में मैं नए वाला जो ब्रेकर लाया हूँ वो आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों। जितना एम्पियर का आपका लगा हुआ रहे उतना ही एम्पियर का आप इसमें यूज करें, क्योंकि दोस्तों इसी के जो नया वाला आपको मिक्सर में लगा हुआ है उसी के हिसाब से यूज करें दोस्तों। अगर कहीं आप मार्केट में जाते हैं 2.2 एम्पियर का है, देखिए सेम टू सेम है 2.2 एम्पियर, ये जरूर देखें दोस्तों। क्योंकि अगर आप इसके जगह पर 2.2 एम्पियर के जगह पर 3 एम्पियर या फिर 5 एम्पियर का लगा देते हैं दोस्तों, उस स्थिति में आपका लोड मोटर पर पड़ेगा दोस्तों, जिस स्थिति में ये ब्रेक नहीं करेगा तो आपका क्वाइल जो है वो जल सकता है। तो इस स्थिति में दोस्तों आप ध्यान दें कि जब भी आपका ये रिसेट खराब हो जाए तो उस स्थिति में जितना ही एम्पियर का है दोस्तों उतना ही एम्पियर का आप यूज करें। तो दोस्तों ये तो खराब हो चुका है, तो मैं इसे नए वाला इसका यूज करूंगा जहां पर। अब देखिए दोस्तों कि इसमें क्या खराब हो चुका था, तो देख सकते हैं दोस्तों ये कार्बन जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये कार्बन जो है ये स्थिति में खराब हो चुका था। अब देखिए मैं न्यू वाला कार्बन आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों किस तरह से ये जो कार्बन है ये किस तरह से घर्षण होने के कारण ये इससे आधा से भी कम हो चुका है। जो रोटर जो होता है दोस्तों उसमें टच नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये कार्बन को भी चेंज करूंगा, न्यू कार्बन है दोस्तों। दोस्तों एक परेशानी और हुआ था इसमें, इस मिक्सर में, इस मिक्सर के भाग को मैं पीछे पलट लेता हूं। तो देखिए दोस्तों इस मिक्सर के आप अंदर वाले भाग को देख सकते हैं जो इनसाइड में है। देखिए दोस्तों यहाँ एक रोटरी स्विच लगा हुआ रहता है, जिस तरह से आप 1, 2, 3 पर या ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ जो आप मेन लीड जो देख रहे हैं दोस्तों, ये लीड जो है ये लाइन का है, ये आपका न्यूट्रल है, ये आपका अर्थ है। तो अर्थ को देखिए यहाँ बॉडी से कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ जो वाइंडिंग हो चुका है दोस्तों, इसमें हुआ था क्या कि कुछ लगता है बूंदे यहाँ
वाटर का जा चुका था, जिसके कारण इसके कॉइल में जरा सा शॉर्ट लग चुका था दोस्तों। तो मैं वहाँ रिपेयर किया हूँ दोस्तों, ज़्यादा नहीं, उसके जरा सा भाग जो है वो जल चुका था दोस्तों, जिसके कारण शॉर्ट की चिंगारी वहाँ पर दे रहा था। तो मैं उस कॉइल को वहाँ से हटा करके दोस्तों कुछ कॉपर को लपेट करके फिर से रिवाइंडिंग करके अच्छी तरह से, यहाँ देखिए इस बेल्ट की हेल्प से अच्छी तरह से टाइट कर दिया हूँ। तो ये पुनः ही सही हो चुका है दोस्तों, यहाँ ये रिपेयर करना पड़ा था मेनू रूप से दोस्तों। अब ये देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो एक वायर निकला हुआ है, एक ये वायर निकला हुआ है, तो इस तरह से दोस्तों ये दोनों वायर में आप ये न्यू वाला कार्बन को मैं यहाँ सेट करूँगा तो फिर ये दोस्तों सेट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें यहाँ जो आप देख रहे हैं अंदर राउटर जो लगा हुआ है वो भी दोस्तों बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों ये बच क्यों गया, इसके पीछे कारण क्या था कि आपका ये जो आप ब्रेकर देख रहे हैं सर्किट ब्रेकर दोस्तों, यही जो सर्किट ब्रेकर है यही इसे बचा लिया दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो, क्योंकि दोस्तों ये पूर्ण रूप से अगर ये नहीं लगा हुआ रहता दोस्तों, या फिर आप यहाँ पर एम्पियर ज़्यादा कुछ रहता तो इस स्थिति में ये आपका कॉइल जो है वो जल जाता, तो उससे आपको ज़्यादा नुकसान होता दोस्तों। तो इसलिए आप इसका हमेशा सही यूज करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो एम्पियर दिया हुआ रहेगा दोस्तों उसी लगाना बहुत जरूरी होता है ताकि आपका कॉइल जो है वो बच सके। तो दोस्तों ये सभी घर में, सभी कोई इसे घर में यूज करते हैं, पर सब सेट कर लूंगा। तो इसे आप इस तरह से यहाँ से हटा दे दोस्तों, इसे फार करके यहाँ से निकाल करके, ये देखिए कार्बन जो निकल चुका है यहाँ से, इस तरह से हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों इस तरह से ये भाग रहता है दोस्तों। यहाँ जो आप देख रहे हैं इसके पिन, तो दोस्तों ये जो आप पिन देख रहे हैं ये इस तरह से इसके बीच में इस तरह से लग जाता है, जो इसे लॉक करता है दोस्तों, लॉक भी करता है दोस्तों, और ये यहाँ से करंट जो है वो भी बाईपास इसमें करता है। तो दोनों काम एक ही से ये हो जाता है दोस्तों, इस तरह से दोनों में हुक बना चुका है जिसमें ये मेनली रूप से एडजस्ट हो जाता है, जिसके कारण ये लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसे यहाँ पर लगा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ जो आप देख रहे हैं इस तरह से खान बना हुआ है, और दोस्तों इसके रोटर जो आप देख रहे हैं अंदर में जो ये रोटर है ये जो देखिए घूम रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कार्बन जो है घर्षण के कारण बहुत सारे कार्बन जम चुका था, तो उसे भी मैं वॉश कर लिया हूँ साफ करके दोस्तों, उस तरह से लगा करके फिर आप इसे दबा करके यहाँ पर सेट कर ले। मैं उसमें जरा सा वार्निश का यूज किया हूँ दोस्तों, वो जो वार्निश का मैं इसमें यूज किया हूँ उससे ये पूर्ण रूप से दोस्तों सही हो जाएगा, वो मैं वार्निश दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये आप वार्निश देख सकते हैं, ये वार्निश है दोस्तों, इसी को मैं इसमें डाल करके कुछ घंटे तक धूप में डाल दिया ताकि ये कॉइल जो है वो अच्छी तरह से सूख जाए। तो दोस्तों नॉर्मली रूप से अब ये फिर से वर्क करेगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं दोनों को कार्बन को सेट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों इसमें मैं एक कार्बन क्लिप को मैं इस तरह से इसको प्लास की हेल्प लेकर के दोस्तों, और यहाँ पर मैं इसे दबा दूंगा ताकि ये फिर से बाहर ना निकले, इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर इसे दबा करके पुनः इस रूप में इसे लॉक कर दें। तो ये पुनः दोस्तों अब ये सही हो चुका है, अब ये ब्रेक कर अब बाहर की ओर नहीं निकलेगा, इस तरह से यहाँ से ब्रेक नहीं करेगा, तो ये लॉक हो चुका है, इसे भी मैं यहाँ पर लगा लूंगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से मैं ये भी ब्रेक जो यहाँ लगा हुआ था कार्बन का, तो ये दोनों को मैं लगा करके यहाँ ब्रेक कर दिया हूँ इस तरह से ये क्लिप लगा करके, अब ये बाहर नहीं निकलेगा। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों नए वाले सर्किट ब्रेकर जो है, तो ये सर्किट ब्रेकर को भी मैं यहाँ क्लिप में लगा करके इसे लॉक कर लिया हूँ। तो इस तरह से ये पूर्ण रूप से हो चुका है दोस्तों। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इसका रोटरी स्विच जो है, तो ये रोटरी स्विच में भी कुछ खराबी आ चुका था दोस्तों कि ये वर्क नहीं कर रहा था। तो इस स्थिति में अगर लोड ज़्यादा होता है दोस्तों तो ऐसी स्थिति में ये भी खराब हो जाता है, तो दोस्तों मैं इसे भी चेंज कर दिया हूँ। तो इस स्थिति में ये भी हमारा सही हो चुका है रोटरी स्विच भी, अब ये दोस्तों पुनः रूप से सही तरह से अब ये वर्क करेगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसमें मेन लाइन से लीड को मेन लाइन में लगा करके इसमें लाइन दे करके इसे चेक करूँगा इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो में ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं एक्सटेंशन बोर्ड है जिससे आप लाइन देना है इसमें,
लाइन दे दिया हूँ दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर लाइन दिया हुआ है, यहाँ स्विच है दोस्तों। अब मैं इसे, ये देखिए दोस्तों, ये मिक्सर जो है वो सही हो चुका है, ये मिक्सर काम कर रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से ये मिक्सर जो है दोस्तों वो सही हो चुका है। सिर्फ इसमें जो जो परेशानी थी दोस्तों उसे मैं सॉल्व कर दिया हूँ। तो इस तरह से ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये मिक्सर सही हो चुका है दोस्तों। तो इसे अच्छे तरह से अब मैं इसे लॉक कर दूंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो है इसके साथ देता है, जो यहाँ पर आप पीछे वाला जो भाग है दोस्तों उसमें सेट करके ऊपर से ये टाइट कर लेंगे तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। जब भी अब आपका लोड ज़्यादा पड़े दोस्तों तो ये रिसेट करता है बाहर की ओर, तो फिर आप उसे पुनः ही इसे रिसेट अंदर की ओर कर दें तो ये वर्क करना शुरू कर देगा। अगर दोस्तों आप इसे अंदर की ओर पुश करते हैं और ये वर्क नहीं करता है तो स्थिति में आपको ये चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों, दोस्तों अगर कार्बन भी कुछ हल्का अगर ज़्यादा जिस तरह से ये खिया चुका था दोस्तों घर्षण के कारण, तो उसे भी आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर तो कार्बन भी दिक्कत था, कॉयल में भी कुछ प्रॉब्लम आ चुका था, ये भी ज़्यादा दिक्कत था दोस्तों, रोटरी स्विच भी। तो काफ़ी दिनों से ये मोटर का यूज हुआ है दोस्तों, ये मिक्सर का। तो इस स्थिति में ये तीनों जो है चार चीज़ इसका ब्रेक हो चुका था, तो मैं इसे रिपेयर कर दिया हूँ। इस तरह से ये वर्क कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू दोस्तों।